पूरी टेंस जो है वो आज मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी और यकीन मानिए टेंसेज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि तोते की तरह जिंदगी भर याद रहेगा जी हाँ एक छोटा सा पैरट होता है उसको आप जो सिखा देते हैं उसको लाइफ टाइम याद रहता है याद रहता है ना और वो हमेशा उसको बोलता रहता है उसको याद रहता है रिपीट करता है तो आज ये वाली जो टेंस की कोर्स मैं आपको कराने वाली हूँ ये आपको पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहेगी इससे बेस्ट आपको कोर्स मिलेगी नहीं और इससे बेहतर समझाने वाला भी तो नहीं मिलेगा जी हाँ बिल्कुल तो आज प्रीति मैम के साथ चलिए टेंस को बिल्कुल एकदम बिल्कुल रूट से जो आज पढ़ लेते हैं और हमेशा के लिए याद कर लेते हैं तो आज क्या क्या सीख जाएंगे आप ये जानना बेहद जरूरी है ताकि एक माइंड में एक प्लॉट तैयार हो जाए कि भैया ये ये आज अब, अब हम लोग सीख जाएंगे तो आज जो है कोई भी टेंस चुटकियों में पहचानना सीख जाएंगे सारे टेंस के नियम नाम याद हो जाएंगे ठीक है क्या सीखेंगे किसी भी टेंस को पहचानना सीखेंगे टेंस के नाम याद हो जाएंगे सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप टेंस के ऊपर जब वाक्य बनाएंगे स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है और सारे के सारे नियम भी याद हो जाएंगे और और क्या होगा और चेरी ऑन द टॉप ये होगा कि इसकी मदद से अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूं मैं हमेशा हर ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है पक्के तौर पर मजबूत तौर पर बोलनी है आपको मतलब बस ऐसे काम चलाऊ नहीं एक जानकार तरीके से बोलनी है टेंस जानना बेहद जरूरी है बेहद बेहद जरूरी है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वाली क्लास आए आपको पक्का पता चल जाए आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए टेलीग्राम के ऐप पर जाकर के आप सर्च करिए बी बैंकर कर वहां हम लोग आपको मिल जाएंगे हमें ज्वाइन कर लीजिए हमारी बुक्स ई बुक्स फ्री कोर्सेज के एक्सेस पाने के लिए डेली अपडेट्स के लिए डेली की क्लासेस अपने मोबाइल तक पाने के लिए इसके अलावा आप एक ये लिंक मैंने स्क्रीन पर दे रखा है आप इस लिंक के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं या तो इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव करके सर्च करके भी आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा क्लासेस को भाई शेयर किया करिए अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करिए क्लासेस को शेयरिंग इज केयरिंग मैं हमेशा बताती हूं तो डू शेयर एंड शो योर केयर ठीक है हो गया ये सब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे है ना बेसिक्स फर्स्ट सबसे पहले टेंस के आपको मैं बता टेंस के आप बेसिक ये वाली चीज तो पक्के तौर तो पे याद रखिए सबसे पहली चीज टेंस के तीन हिस्से होते हैं मैं बोलूंगी आप उसके साथ भी मेरे साथ रिपीट करेंगे ठीक है टेंस के तीन हिस्से होते हैं बोलिए टेंस के तीन हिस्से होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होते हैं भाई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उंगलियों में गिन करके पढ़िए देखिए आपको जल्दी समझ आएगा और जल्दी आप याद कर पाएंगे टेंस के तीन हिस्से होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गई यहां तक ये वाला ये वाला आपको चार्ट क्लियर हो गया अच्छा क्या पढ़ा हमने टेंस के तीन हिस्से होते हैं तीन पार्ट होते हैं प्रेजेंट पास्ट पार्ट होते हैं हरेक हर पार्ट के चार पार्ट होते हैं मतलब प्रेजेंट मैंने बताया टेंस के कितने पार्ट बताए तीन पार्ट बताए इन तीनों पार्ट के चार 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 पार्ट होंगे यानी कि प्रेजेंट के चार हिस्से पास्ट के चार हिस्से फ्यूचर के चार हिस्से साफ हो गई बात तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए चार प्लस चार प्लस चार टेल्व राइट इसको आप इस तरीके से जस्ट एक याद रखने के तरीके से मैं आपको इसको बता रही हूं ठीक है टेंस हो गया सबसे ऊपर उसके खुले तीन पार्ट जिसमें मिला हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अब प्रेजेंट के खुले चार हिस्से पास्ट के भी खुले चार हिस्से फ्यूचर के भी खुले चार हिस्से साफ हो गई बात अच्छा इनके नाम याद रखना जरूरी है अब तक उम्मीद है आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही तीनों नाम तो याद हो गए होंगे अब चलिए इन चारों हिस्सों का नाम याद रखते हैं सबसे खूबसूरत खुपसूर, खूबसूरत बात जो है ना टेंस के बारे में वो ये है कि ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो चार चार हिस्से हैं ना इनका नाम सेम है क्या है नाम सेम है तो नाम पे ज्यादा मेहनत अपने को नहीं करनी है सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बस यही चार नाम आपको याद करने हैं और ये फिर कैसे चारों के हिस्से बनते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऊपर दिख रहा है आपको साफ साफ ये कौन है भैया ये टेंस के तीन हिस्से हैं है ना अच्छा इनके भी चार चार हिस्से हो गए तो सबसे पहला सिंपल दूसरा कॉन्टिन्यूअस तीसरा परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के हिस्से में हमने डाल दिए ये चार पास्ट के हिस्से में डाल दिए चार फ्यूचर के हिस्से में डाल दिए हमने चार नाम कैसा हो जाएगा भाई इन सब के साथ आप अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट लगा लीजिए पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट लगा लीजिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं फ्यूचर लगा लीजिए ठीक है बस इतना ही सिंपल है ये इतना ही सिंपल है ज्यादा इसको कुछ बहुत ज्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल और सटीक है क्लियर चलिए अब इसको हम लोग एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल के बारे में ठीक है हम लोग हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली पढ़ने वाले हैं ठीक है कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे राइट चलिए तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंपल के बारे में और सिंपल में हम लोग तीनों को जानेंगे प्रेजेंट सिंपल को भी जानेंगे पास्ट सिंपल को भी जानेंगे फ्यूचर सिंपल को भी जानेंगे नाम हमने दे दिया ना बस सिंपल के आगे प्रेजेंट लगा दिया पास्ट के आगे सिंपल के आगे पास्ट लगा दिया सिंपल के आगे फ्यूचर लगा दिया बस इतना ही काम है आपको बस इतना ही आपको याद रखना है चलिए इसके आगे तो चीजें आसान हो जाएंगी अपने आप ठीक है सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की इसका वाक्य आपको कैसा दिखेगा सिंपल सा वाक्य है नाम जैसा है ना बस वैसा ही है सिंपल सा वाक्य है मैं खाता हूं सिंपल सा वाक्य है मैं खाता हूं अनुवाद इसका हो जाएगा आई ईट घबराइए नहीं सबके स्ट्रक्चर दूंगी सो डोंट वरी एट ऑल बताया ना पूरी कोर्स है ये तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है है ना रूल्स स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल्स सब कुछ होने वाला है तो सबसे पहले मैं खाता हूं आई ईट इसी वाक्य को अगर पास्ट में बोलना हो मैं खाता था या मैंने खाया ये क्या बन गया पास्ट सिंपल फ्यूचर में मैं खाऊंगा फ्यूचर सिंपल इतना ही सिंपल है बिल्कुल सिंपल है आसान लग रहा है बस इतना ही सिंपल है तो मैं खाता हूं आई ईट मैं खाता था या मैंने खाया आई एट मैं खाऊंगा आई विल ईट चलिए इसको एक झटके से पढ़ते हैं ताकि याद करने में मतलब आसानी हो मतलब क्विक से पढ़ते हैं मैं खाता हूं मैं खाता था मैं खाऊंगा आई ईट आई एट आई विल ईट आपको बस ऐसे ही इसको याद कर लेना है बस इतनी सी ही बात है ठीक है चलिए अब जानते हैं कि क्या दिखेगा अगर आपको दिखे वाक्य में ता हूं ता है ते हैं ती है सिंपल सी बात है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है किसका वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जैसे मैं खाता हूं ता हूं दिख गया आपको इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए सिंपल प्रेजेंट का वाक्य उसका स्ट्रक्चर जान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वी वन वर्ब का पहला रूप और अदर्थ अगर वाक्य में है तो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब वन को छोड़ करके अगर कुछ भी एक, एक्स्ट्रा आपको वाक्य में दिखता है वो अदर्थ की कैटेगरी में आ जाएगा उसमें ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं है ना बेसिक समझ लीजिए पहले तो मैं खाता हूं आई ईट तो आई क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और वी वन क्या हो गया ईट वर्ब का पहला रूप ईट क्लियर एकदम बात साफ स्ट्रक्चर के साथ क्या बचा भाई क्या बचा रूल बचा आई यू वी और दे जब भी सब्जेक्ट की जगह पर होगा तो वर्ब का पहला रूप लगेगा क्या लगेगा आई रहेगा यू रहेगा वी रहेगा या दे रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर तो वी वन लग जाएगा ही शी इट या कोई भी नाम चाहे लड़की का हो लड़के का हो वर्ब तो लगेगा साथ में एस लग जाएगा या तो ई एस लग जाएगा ठीक है ध्यान रखना है वर्ब के साथ एस या तो लगेगा या तो ईएस लगेगा ठीक है हर किसी के साथ एस नहीं लगेगा हर किसी के साथ ई एस नहीं लगेगा किसी के साथ एस लगता है किसी के साथ ई एस लगता है अगर इस इसपे सेपरेट आपको क्लास चाहिए कमेंट बिलो मैं उसके लिए भी क्लास लेकर आऊंगी मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सो तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए वर्ब में किसी के साथ एस लगता है किसी के साथ ई एस लगता है और ये किसके साथ लगता है भाई ही शी इट या किसी भी नाम के साथ अब आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट की बारी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे या ये यी या फिर ता था ती थी ते थे तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य है साफ सी बात है जैसे मैंने खाया या ये वाक्य हो सकता है मैं खाता था एक ही वाक्य एक ही तरह का वाक्य है बस बोलने का तरीका अलग है मैंने खाया मतलब दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है मैंने खाया मैं खाता था चलिए इसका स्ट्रक्चर जानिए बेहद जरूरी मैंने खाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म वर्ब सेकेंड वी टू इसके अलावा अगर कुछ और प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्स है ना तो क्या इसका अनुवाद हो गया आई एट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास आई वी टू ईट का वी टू एट आई एट रूल जान लेते हैं आप आई यू वी दे रहेगा तो वी सेकंड लगेगा है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा सबसे अच्छी बात यही है बिल्कुल चलिए सिंपल फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं और वाक्य कैसे दिखेंगे वाक्य के अंत में उंगा एंगे एगी या एगा अगर दिखेगा तो सिंपल फ्यूचर का वाक्य है ये तो सबसे पहले आपको समझ आ जाएगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी मैं खाऊंगा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल का इस्तेमाल होगा किसका इस्तेमाल होगा विल का इस्तेमाल होगा और वर्ब का पहला रूप वर्ब का पहला रूप V1 और उसके अलावा अगर वाक्य में कुछ हुआ तो वो अदरवर्स की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है आई विल ईट क्या क्या अलग हुआ देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है विल हमारा बीच में लगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं और ईट वर्ब वन है खाऊंगा आई विल ईट सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ओडब्ल्यू यह हो गया सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर एक क्विक सा रिविजन बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल फ्यूचर सिंपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा मैं खाता हूं मैं खाता था मैं खाऊंगा आई ईट आई एट आई विल ईट एकदम बिल्कुल सिंपल वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर अब बढ़ते हैं आगे अगले वाले का नाम क्या बताया था क्या बताया था अगले वाले का नाम अगले वाले का नाम था कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल गया कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है भाई लगातार जिससे क्या वाइब आए लगातार है ना कॉन्टिन्यूस तो उसके पहले लगा दीजिए प्रेजेंट तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसके पहले लगा दीजिए पास्ट तो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ठीक है अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं आ जाइए इसमें आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसा वाक्य होता है मैं खा रहा हूं अभी भी खा रहे हैं है ना अभी भी खा रहे हैं ये दिखाता है कंटिन्यूटी दिखाता है कॉन्टिन्यूअस याद रखिएगा है ना जस्ट याद रखने के लहजे से मैं खा रहा हूं आई एम ईटिंग ये दिखाएगा कि आप अभी खा रहे हैं और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है मैं खा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस आई वॉज ईटिंग मैं खा रहा हूँगा आई विल बी ईटिंग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ठीक है एक क्विक से देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे मैं खा रहा हूँ मैं खा रहा था मैं खा रहा हूँगा, आई एम ईटिंग आई वॉज ईटिंग आई विल बी ईटिंग ठीक है अब चलिए हरेक को हम लोग तोड़ करके पढ़ते हैं है ना कैसा वाक्य रहेगा क्या स्ट्रक्चर होगा क्या रूल होगा सबको तोड़ के पढ़ते हैं चलिए सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं वाक्य में आपको दिखेगा रहा हूं रहे हैं रही है रहा है क्या दिखेगा रहा हूं रहे हैं रही है रहा है उदाहरण के तौर पर मैं खा रहा हूं चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं मैं खा रहा हूं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके सामने है सब्जेक्ट साथ में या तो एम लगेगा या तो इज़ लगेगा या तो आर लगेगा तीनों में से कोई एक लगेगा और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा ठीक है और क्या लगेगा साथ में वी फोर वर्ब का चौथा रूप आई एन जी वाला मैं हमेशा बताती हूं आपको है ना वी फोर आई एन जी दिखेगा आपको हमेशा इसके अलावा अदरव अगर वाक्य में है तो जैसे मैं खा रहा हूं आई एम ईटिंग देखिए सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में आई क्या लगा साथ में एम अगर कुछ और रहता तो कुछ और लगता ठीक है अब क्या रहता तो क्या लगता यही तो जानने की बारी है अब रूल में रूल वाले सेक्शन में जान लेते हैं आई अगर रहेगा सब्जेक्ट में तो एम लगेगा यू वी दे अगर रहेगा सब्जेक्ट में तो आर लगेगा ही शी इट या कोई भी नाम लड़के का हो लड़की का हो तो इज लगेगा ये रूल वाला है पोर्शन ठीक है याद रहेगा अब याद रहेगा हमेशा चलिए बढ़ते हैं आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं क्या दिखेगा वाक्य में मतलब क्या दिखे ऐसा हमें वाक्य में कि हमें समझ आ जाए पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है क्या दिखेगा रहा था रहे थे रही थी ये दिखेगा वाक्य में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है मैं खा रहा था इसी वाक्य की बात कर रहे हैं ठीक है कैसा दिख गया आपको मैं खा रहा था चलिए मैं खा रहा था स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा वॉज किसके साथ लगेगा वर किसके साथ लगेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है ये रूल वाले सेक्शन में जानेंगे हम लोग आगे ठीक है उसके साथ क्या लगेगा V4 फोर का चौथा रूप ing है ना ing वाला राइट right? अच्छा अदरवाइज अगर वाक्य में है तो हम लोग लगाएंगे नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड मैं खा रहा था आई वॉज ईटिंग मैं खा रहा था आई वॉज ईटिंग साफ हो गई बात चलिए रूल के सेक्शन में आते हैं जानते हैं रूल क्या है जब भी सब्जेक्ट की जगह पर यू वी दे रहेगा तो वर का इस्तेमाल होगा ही शी इट कोई भी नाम या आई रहेगा तो वॉस का इस्तेमाल होगा ठीक है अगेन से देखते हैं इसको यू वी दे रहेगा तो वर का इस्तेमाल हो जाएगा आई ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा नाम एज इन लड़के का हो लड़की का हो ड मैटर आई ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो वॉज हो जाएगा आई यहाँ पर आप लोग नोट्स में एड कर लीजिएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बारी है अब हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की वाक्य कैसा दिखेगा क्या दिखेगा वाक्य में भाई हमारे पास हमारे पास वाक्य में दिखेगा रहा होंगे रहे होंगे रही होगी रहा होगा ये दिखेगा वाक्य में जैसे मैं खा रहा हूंगा क्या है ये इस तरीके का वाक्य दिखेगा मैं खा रहा हूंगा चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं मैं खा रहा हूंगा सब्जेक्ट प्लस विल बी है ना ये वाला ऐड हो जाएगा यहां पर विल बी साथ में वी फोर वर्ब का चौथा रूप और अदरवर्ड्स मैं खा रहा हूंगा आई विल बी ईटिंग सब्जेक्ट क्या है हमारा आई विल बी एड हो गया हम मैंने बताया रूल इसमें विल बी एड हो जाएगा और eating V4 फोर ईट का वी फोर ईटिंग चलिए रूल के सेक्शन में आते हैं रूल जान लेते हैं आई यू वी दे जब भी दिखे सब्जेक्ट की जगह पर विल बी साथ में एड कर देंगे ही शी इट या कोई भी नाम दिखे सब्जेक्ट की जगह पर तो भी विल बी ही ऐड करेंगे ठीक है सबसे खूबसूरत बात इसकी कि चाहे सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे हो या हो सब्जेक्ट आपका ही शी इट नेम्स लड़के लड़की दोनों का है ना विल बी का ही इस्तेमाल होगा ठीक है एक क्विक सा रिवीजन मैं खा रहा हूं मैं खा रहा था मैं खा रहा हूंगा आई एम ईटिंग आई वॉज ईटिंग आई विल बी ईटिंग यही हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअर्स पास्ट कॉन्टिन्यूअर्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअर्स साफ यहां तक बात हो गई अब बढ़ते हैं आगे तीसरे सेक्शन की ओर जो कि है परफेक्ट बिल्कुल नाम जैसा है वाक्य भी वैसा ही मिलेगा आपको इसके आगे प्रेजेंट लगा दीजिए तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट लगा दीजिए तो पास्ट परफेक्ट फ्यूचर लगा दीजिए फ्यूचर परफेक्ट हो गया है ना कैसा होता है वाक्य जानना बेहद जरूरी मैं खा चुका हूं काम कंप्लीट हो चुका है यही ये मैसेज देता है मैं खा चुका हूँ ये बात बोल करके आप सामने वाले को क्या बताना चाहते हैं कि खा चुके हैं भाई है ना मैं खा चुका हूं या ये दूसरा वाक्य क्या इस्तेमाल होता है मैंने खा लिया है मतलब आप अश्योरेंस दे रहे हैं सामने वाले को भाई हम खा चुके हैं है ना मैंने खा लिया है मैं खा चुका हूं मैंने खा लिया है आई हैव इटेन एक नए वर्ड की यहाँ पर इंट्रोडक्शन होती है दैट इज हैव है ना एच ए वी हैव का इस्तेमाल हुआ राइट अच्छा मैं खा चुका था मैंने खा लिया था पार्टी में जाते हैं फैमिली के साथ फिर घर वापस आते हैं कह रहे मैंने तो वो पहले ही खा लिया मैं खा चुका था मतलब कोई पूछे कि पास्ता खाया था तुमने तो आप क्या बताते हैं अरे मैं खा चुका था है ना तुमने क्यों नहीं लिया मैं खा चुका था ये वाला वाक्य मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था आई हैड ईटन एक अगेन से एक नए मेहमान की यहां पर मतलब दस्तक दैट इज हैड एच ए डी हैड आई हैड ईटन है ना अच्छा मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा आई विल हैव ईटन यहाँ पर क्या हो गया आई विल हैव इट एन फ्यूचर परफेक्ट एक हम लोग एक बार इसको अगेन से पढ़ते हैं सीरियल वाइज मैं खा चुका हूँ मैं खा चुका था मैं खा चुका हूंगा आई हैव इट एन आई हैड इट एन आई विल हैव इट मैंने खा लिया है मैंने खा लिया था मैंने खा लिया होगा आई हैव इट एन आई हैड इट एन आई विल हैव इट साफ हो गई कैसा वाक्य दिखेगा आपको चलिए अब हर एक को तोड़ करके पढ़ते हैं स्ट्रक्चर जानते हैं बेहतर समझ आएगा हमें और हम लोग कभी भूलेंगे भी नहीं है ना अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले बात करते हैं वाक्य कैसा दिखेगा वाक्य में आपको दिख जाएगा चुका हूं चुकी हूं चुके हैं चुका है या, या है, है ये है ये है ये दिखेगा आपको वाक्य में वाक्य कैसा होगा भाई मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है यहां पर मैंने है ठीक है मैंने खा लिया है स्ट्रक्चर जानते हैं आप वेरी इंपॉर्टेंट मैं खा चुका हूं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज अब आप सोच रहे होंगे कि हैव को तो मैम ने परिचय करा दिया हैज का परिचय तो मैम ने कराया नहीं बिल्कुल जब भी आप इस तरीके की वाक्य को देखें हैव और उसका जो दूसरा दोस्त है हैज इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा ठीक है हैज से भी आप लोग मिल लीजिए हैव से तो आगे मिला चुकी हूं हैज से भी मिल लीजिए है ना तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा तो सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज है ना अब दोनों किसके साथ लगेगा ये रूल के सेक्शन में जानेंगे साथ में लगेगा v3 थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म और अदोव मैं खा चुका हूं आई हैव ईटन यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है सब्जेक्ट हमारे पास है आई तो आई है तो हैव लग गया अच्छा ये कैसे डिसाइड करेंगे यही सोच रहे हैं तो उसके लिए तो रूल वाले सेक्शन में जाने की जरूरत पड़ेगी आई यू वी और दे अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो साफ है कि हैव का इस्तेमाल होगा एकदम गांठ बांध लीजिए हैव का ही इस्तेमाल होगा ही शी इट या कोई भी नाम हो चाहे लड़की का हो लड़के का हो तो हैज का इस्तेमाल होगा किसका इस्तेमाल होगा हैज का इस्तेमाल होगा अब आप, आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि हैव इस्तेमाल करना है कि हैज का इस्तेमाल करना है बस यही वाला जो स्क्रीन अभी आपको दिख रहा है ना यही याद रहेगा ना तो आपको पक्के से याद रहेगा है कि हैव इस्तेमाल करें कि हैज इस्तेमाल करें क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे पास्ट परफेक्ट की बारी है पास्ट परफेक्ट की बारी है उसका पड़ोसी कौन था प्रेजेंट परफेक्ट का पड़ोसी पास्ट परफेक्ट बिल्कुल तो चलिए इसमें आपको क्या दिखेगा वाक्य में चुका था चुकी थी चुके थे या फिर या था ये थी ये थे ये दिखेगा आपको वाक्य में है ना अच्छा वाक्य कैसा होगा मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था ये दोनों ही तरीकों से आप बोल सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं आप मैं खा चुका था मैं खा चुका था स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैड हैड का परिचय कराया था ना अभी हाँ, वही वाला हैड है ना साथ में वी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना और अदरवाज अगर वाक्य में है तो मैं खा चुका था आई हैड आप क्या सोच रहे हैं इसके साथ कोई और आएगा क्या बिल्कुल नहीं आएगा चलिए रूल वाले सेक्शन में जानते हैं कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट आ जाए चाहे आई यू वी दे या ही शी इट या कोई भी नाम हो हैड का ही इस्तेमाल होगा ये बिल्कुल शेयर नहीं करता ये सबके साथ चलता है ना सबके साथ दोस्ती है हैड की हैड सबके साथ दोस्ती कर लेता है बहुत आसानी से तो ये आई यू वी दे ही हम लोग लगाएंगे ठीक है अब बढ़ते हैं इसके बगल में जो रहता था कौन है वो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बारी है फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य आपको कैसा दिखेगा वाक्य में दिखेगा चुका हूंगा चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी या या होगा ये होंगे ये होगी ये दिखेगा आपको कैसा वाक्य होगा मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा यहां पर मैंने है, ठीक है साफ है मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा ये जो है आपको दिख जाएगा वाक्य में चलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं अब हम लोग मैं खा चुका हूंगा स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल का तीसरा रूप और अदरवर्स अगर है तो तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा आई विल हैव ईटन मैं खा चुका हूंगा फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखेंगे मैं खा चुका हूंगा मैं खा चुका हूंगा अगेन से देख लीजिए इसको मैं खा चुका हूंगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अगर वाक्य में है तो आई विल हैव ईटन मैं खा चुका आई विल हैव ईटन रूल के सेक्शन में आते हैं और जान लेते हैं रूल क्या है रूल भैया विल हैव भी जो है ना वो भी एकदम बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है वो सबके साथ दोस्ती कर लेता है यानी कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो आई यू वी दे शी इट या कोई भी नाम हो तो विल हैव का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग साफ हो गई बात अब एक क्विक से रिविजन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मैं खा चुका हूं मैं खा चुका था मैं खा चुका हूंगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट आई will आई eaten. मैंने खा लिया है मैंने खा लिया था मैंने खा लिया होगा आई हैव eaten, I आई हैड I will आई विल हैव साफ हो गई बात मजा आ रहा है पढ़ने में बिल्कुल आप पक्के से आपको याद रहेगा टेंस कोई टेंशन की बात नहीं है चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर जो की है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये इसके आगे प्रेजेंट लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया पास्ट लग गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया फ्यूचर लग गया तो भाई क्या होगा क्या होगा रॉकेट साइंस है क्या नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है वाक्य कैसे दिखेगा मैं खाता आ रहा हूं क्या हो रहा है मैं खाता आ रहा हूं अनुवाद आई हैव बीन ईटिंग अब हैव जो है ना हैव का परिचय इसके पहले कराया मैंने हैव जो है वो किसी को ले आया अपने एक और दोस्त को ले आया दैट इज बीन है ना आई हैव बीन ईटिंग अब ये दोनों हैव और बीन दोनों साथ साथ में है है ना मैं खाता आ रहा हूँ आई हैव बीन ईटिंग मैं खाता आ रहा था आई हैड बीन ईटिंग हैड क्या पीछे रहेगा क्या हैड भी अपने दोस्त को ले आया और बीन का जो है दोस्ती जो है वो हैव के साथ भी है हैड के साथ भी है हैज के साथ भी है हां जी बीन की दोस्ती इन तीनों के साथ है तो आई हैड बीन ईटिंग मैं खाता आ रहा था आई हैड been eating अच्छा इसको क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट continuous को क्या हो गया भाई ये बहुत दुखी है ठीक है इसका यूज जो है अब स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है राइट तो यह यहाँ पर है लेकिन इसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता तो एक लोड तो ऐसे ही कम हो गया है ना इसी से खुश हो जाइए कि एक तो ऐसे ही कम हो गया चलो है ना कम पढ़ना पड़ेगा थोड़ा चलिए वापस आते हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा उसको पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है मैं खाता आ रहा हूँ आई हैव बीन ईटिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है मैं खाता आ रहा था आई ईटिंग अब इन दोनों को थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमें बेहतर प्रेजेंट परफेक्ट की जब वाक्य की बात होगी तो वाक्य में क्या दिखेगा ता आ रहा हूँ ते आ रहे हैं ता आ रहा है ती आ रही है ये दिखेगा वाक्य में तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं खाता आ रहा हूं क्या है भाई मैं खाता आ रहा हूं स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर से हमें बेहतर समझ आता है है ना मैं खाता आ रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन लगेगा या तो हैज बीन लगेगा अभी क्या बताया था बीन की दोस्ती सबके साथ है इन तीनों के साथ है हैव के साथ भी हैज के साथ भी हैड के साथ भी तो यहां पर हैव और हैज की बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज बीन लगेगा या तो या तो लगेगा साथ में क्या लगेगा वर्ब का चौथा रूप यानी कि v4 और अदरवाइज अगर वाक्य में हुआ तो अनुवाद आई हैव बीन ईटिंग मैं खाता आ रहा हूं आई हैव बीन ईटिंग यही सोच रहे हैं कि हैव बीन तो मैम बता दिया हैज बीन किसके साथ लगेगा तो इसके लिए रूल वाले सेक्शन के ओर चलते हैं सब्जेक्ट में अगर आपको आई यू वी और दे दिखे तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा ही शी इट या कोई भी नाम दिखेगा तो हैज बीन का इस्तेमाल होगा यहां पर हैज बीन की दोस्ती है ठीक है अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या कोई भी नाम है तो भाई हैज बीन आ जाएगा राइट अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअर्स की ओर ये कैसा वाक्य होगा ता आ रहा था ते आ रहे थे ती आ रही थी ये आपको दिख जाएगा वाक्य में वाक्य कैसा होगा मैं खाता आ रहा था वाक्य ऐसा ही दिखेगा आपको मैं खाता आ रहा था यह हो गया वाक्य हमारा अब स्ट्रक्चर की बारी स्ट्रक्चर जान लेते हैं मैं खाता आ रहा था सब्जेक्ट प्लस हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन का ही इस्तेमाल होगा यही रूल है ठीक है और वी फोर वर्ब का चौथा रूप यानी कि ing लगेगा अदरवर्ड्स अगर हुआ वाक्य में तो अनुवाद मैं खाता आ रहा था ईटिंग रूल वाले सेक्शन की ओर चलते हैं रूल जानने के लिए सब्जेक्ट में अगर आपको आई यू वी दे दिखे तो बीन का कर इस्तेमाल करेंगे ही शी इट या कोई भी नाम दिखे तो भी हैडबीन का ही इस्तेमाल करेंगे हैडबिन की दोस्ती सबके साथ है ठीक है इसी को याद रखेंगे ठीक है इसको याद रखने का इससे बेस्ट तरीका आपको मिल ही नहीं सकता बस दोस्ती के हिसाब से याद रखिए तो देखिए फिर कैसे आपको टेंसेस याद हो जाता है क्या है टेंसेस आपको आराम से याद हो जाएगा है ना आई यू वी दे तो हैडबीन ही लगेगा ही शी इट नेम्स की बात करेंगे तो भी हैडबिन का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हैडबिन की दोस्ती सबके साथ है जी हाँ तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ओर पर मैम आपने तो बोला था कि इसको नहीं पढ़ना है बिल्कुल सही बोला था इसको नहीं पढ़ना है फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं जस्ट आपको एक एक आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ये किस तरीके का वाक्य है और क्यों हम लोग अब इसको नहीं प्रयोग करते हैं तो वाक्य कुछ ऐसा दिखेगा मैं खाता आ रहा हूंगा अजीब सा वाक्य है मैं खाता आ रहा हूं आ रहा रहूंगा है ना तो ये थोड़ा अजीब सा वाक्य है और प्रैक्टिकल वाक्य नहीं है समझ रहे हैं इस बात को हम लोग इस तरीके से बात नहीं करते हैं ये प्रैक्टिकल वाक्य नहीं है खाता आ रहा रहूंगा है ना ये तो ये टेंस पर व्यवहारिक तौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में है ना प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ के साथ जो है ना इंकल्केट नहीं होता मतलब लाइफ के साथ इसको इस तरीके का वाक्य का इस्तेमाल हम लोग डे टू तो डे लाइफ में करते नहीं है थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है इसीलिए ये वाला टेंस जो है व्यवहारिक तौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता है याद रहेगा ये याद रहेगी ये बात चलिए एक क्विक सा रिविजन ले लेते हैं हम लोग अगेन से जैसे अभी तक लेते आ रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट 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 फ्यूचर को तो पढ़ना नहीं है ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं खाता आ रहा हूं मैं खाता आ रहा था आई हैव बीन ईटिंग आई हैड बीन ईटिंग क्लियर बिल्कुल साफ हो गई बात चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बेहतर तरीके से इन नट लोग समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स से आपकी समझ को और मजबूत ताकतवर और स्ट्रांग बनाते हैं चलिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया यू और हमने वर्ब लिया प्ले ठीक है चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा सबसे पहले टेंस के कितने बिल्कुल तीन हिस्से प्रेजेंट पास फ्यूचर देखिए तुम खेलते हो तुम खेलते थे तुम खेलोगे यू प्ले यू प्लेड यू विल प्ले तुम खेल रहे हो तुम खेल रहे थे तुम खेल रहे होगे यू आर प्लेइंग यू वर प्लेइंग यू विल बी प्लेइंग तुम खेल चुके हो तुम खेल चुके थे तुम खेल चुके होगे यू हैव प्लेड यू हैड प्लेड यू विल हैव प्लेड तुम खेलते आ रहे हो तुम खेलते आ रहे थे यू हैव बीन प्लेइंग यू हैड बीन प्लेइंग साफ हो गई बात चलिए बढ़ते हैं आगे अब ही और गो को लेते हैं ही सब्जेक्ट और गो हमारे पास वर्ब है तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि एस और ई एस लग जाता है रिमेंबर बिल्कुल अभी देखिए हमारे हमने यहाँ पर गो लिया था लेकिन जब हम लोग वाक्य बनाने आ रहे हैं तो गो नहीं गोज का इस्तेमाल होगा क्यों ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वर्ब के साथ क्या लगता है या तो एस लग जाएगा या तो ई एस लग जाएगा तो गो के केस में स लगेगा है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये ऐसे है ठीक है वह जाता है वह गया वह जाएगा ही गोज ही वेंट ही विल गो वह जा रहा है वह जा रहा था वह जा रहा होगा ही इज गोइंग ही वॉज गोइंग ही विल बी गोइंग वह जा चुका है वह जा चुका था वह जा चुका होगा ही हैज गॉन He had gone. He will have gone. वह जाता, जाता आ रहा था He He has been going, he had been going. going. had और इसका तो इस्तेमाल होता नहीं अब है ना तो चलिए अब क्या करेंगे अब करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी बेहद जरूरी नहीं तो फिर इतना लंबा चौड़ा जब कोर्स आपको कराया इसका क्या फायदा है ना सेल्फ प्रैक्टिस करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे प्रैक्टिस करके बताइए मैं कमेंट सबके चेक करूंगी है ना कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं प्रैक्टिस कर रहा है क्या करेंगे सब्जेक्ट लेंगे आई और वर्ब ले लेंगे प्ले सब्जेक्ट लेंगे यू वर्ब ले लेंगे राइट सब्जेक्ट लेंगे वी वर्ब ले लेंगे ईट ही लाफ शी सिंग दे सिंग एक बात मैं बता दूं यहां पे मैंने एस और ई एस नहीं लगाया है वर्ब के साथ तो आप डिसाइड करेंगे एस लगेगा कि ई एस लगेगा ठीक है अच्छा आपको वर्ब फॉर्म भी वर्ब फॉर्म्स भी लगे हाथ दे ही देती हूं ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े है ना ईट एट ईट एन अगर वी फोर होगा तो आई एन जी लग जाएगा ईटिंग हो जाएगा है ना प्ले प्लेड प्लेड और प्लेइंग राइट रोट रिटन और राइटिंग सिंग सैंग संग सिंगिंग लाफ लावड लाफ्ड लाफिंग ईट मतलब खाना प्ले मतलब खेलना राइट मतलब लिखना सिंग मतलब गाना और लाफ मतलब हंसना जी हाँ So yes, ये थी आज की क्लास उम्मीद है क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी बहुत बढ़िया वाली क्लास मतलब दिल से जो है आपने पढ़ाई की होगी मुझे पक्का पूरा यकीन है आपके ऊपर कि आपने दिल से पढ़ाई की होगी और आपको क्लास पसंद आई है तो क्या करना है हमेशा बताती हूँ आज बिना बताए ही कर दो क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए शेयर तो पक्का कर लीजिएगा इस क्लास को है ना और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी आपको और इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए भाई जल्दी से चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर तो जुड़ना ही पड़ेगा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक का भी पता आपको टेलीग्राम पर ही चलेगा और ये तीनों किताबें कब आ रही हैं किस दिन आ रही हैं कब मैं आपको बताऊंगी ये भी आपको टेलीग्राम पर ही पता चलेगा हमारी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स हो या बेसिक इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग हो स्कूल वाले बच्चों के लिए या हो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का कोर्स सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी बस कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें और हमारे प्रतिनिधि आपको अब आप तक जरूर आपको रिवर्ट कर लेंगे रिवर्ट बैक हो जाएगा मतलब आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा साफ हो गई बात लगभग रिप्लाई मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रति, कृपया प्रतीक्षा करें और अगर आपने मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाए आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा क्लियर सो यस गाइज फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे यून टू बी बैंकर